बहुत मुश्किल से अभी ऑफिस पहुंचे। इतनी बारिश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल की सुबह में बहुत हुआ तो मतलब आंधी तूफान सारा कुछ है, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। हेलो जी, गुड वाले मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। गुड वाला मॉर्निंग में क्या बोलूँ आप लोगों को, ऐसे मैं दिखाता हूँ गुड वाला मॉर्निंग क्यों नहीं है। ये देखिए, इतनी तेज आंधी तूफान चल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। एनीवेज, सुबह के बज रहे हैं 8 o'clock और अंजलि जी हमारी कर रही हैं यहाँ पे पूजा सुबह सुबह उठ करके, और गेटों से आवाज आ रही है ठां ठां करके, ऐसा लग रहा है गेट टूट जाएगा। तो ये गुड वाला मॉर्निंग तो है नहीं, ये बैड वाला मॉर्निंग लग रहा है। मतलब मौसम की तो ऐसी तैसी हो रखी है, बाप रे बाप, बिजली कड़क रही है इधर, और ये आंधी तूफान ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। भाई मैं तो आज ना जा रहा हूँ ऑफिस। पूजा पाठ हो गया है ख़त्म और हम लोग बस वेट कर रहे हैं कि कब मौसम थोड़ा ठीक हो और कब हम रेडी होके ऑफिस जाएं। मनी का तो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, बट मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो बादल गरज रहे हैं, बारिश हवा तीनों साथ में है। कैसे वेट कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। पता नहीं है कम होगा या बढ़ेगा, समझ देखने से नहीं होगा कुछ भी। आ जाओ बेचारा, करे भी तो क्या करे, इससे अच्छा केले ही खा ले का। और पता है मेरे साथ ना एक कांड हो गया, जो मेरा नोज पिन था ना छोटा सा, वो पता नहीं कहाँ गिर गया। कल सुबह में गुम गया या बाथरूम में गिर गया, कहाँ गया कुछ अता पता नहीं है। कल रूम में भी बहुत ढूंढा बट मिला नहीं नोज पिन। तो मनी ने बोला कि नया नोज पिन दिलाएंगे। मनी यार, जो भी था जैसा भी था तो सोना ही, 1200 से कम का थोड़ी ना होगा वो। क्यों इस बार चैट ही कर रहे हैं, सस्ता है 100 रुपए। मैं नहीं पहनती चांदी का। उसका दिल्ली भी बहुत लूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ गुम गया मेरा नोज पिन। मुश्किल से अभी ऑफिस पहुंचे। इतनी बारिश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल की सुबह में बहुत हुआ तो मतलब आंधी तूफान सारा कुछ है, तो मैं क्या ही बताऊं आपको। बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो ये जो फ्लावर का गेट लगा हुआ है, सुबह से 4 बार गिर चुका है यहाँ पे, और अभी टाइम आप देख लो 9:51 हो रहे हैं। ठंडा लग रहा था ना, बहुत ठंडा है बाप रे बाप। मैंने तो ऑफिस में एसी बंद कर दिया था। मेरा भी, मैंने भी एसी बंद करके रखा हुआ था, दिया जल रहा था। अभी मोटरसाइकिल पे आया हूँ तो बाप रे बाप, कहाँ पड़ा था मैं तो। कल से लगता है जैकेट उकेट निकालना पड़ेगा। वैसे भी एक तो आपने ऑर्डर करके रखा हुआ ही है, बिल्कुल जो डिस्पैच भी नहीं हुआ, दूसरा ऑर्डर कर दिया। कैसा भाई, मैंने ना मतलब जैकेट मंगाई ऑनलाइन तो उन्हें डिस्पैच ही नहीं कर रहे, भेज ही नहीं रहे हैं। मैंने ना दूसरा एक और जैकेट ऑर्डर कर दिया, सेल लगी हुई थी। मुझे मैंने कहा मैं कांपने लगूंगी अब। मैंने सोचा फिर एक ना सही तो दूसरा ही सही, कोई तो जैकेट मिलेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी मैंने पेमेंट की नहीं ना वो पहले आ जाएगा, और जिसकी पेमेंट कर रखी है वो आएगा नहीं। हे भगवान, हे भगवान, देखियो मृत्यु। कोई ना, वेट कर लो, रिटर्न कर देंगे। दोनों में से जो बढ़िया हुआ रख लूंगा, ठीक है। अगर दोनों बढ़िया हुआ तो दोनों रख लूंगा, ठीक है। हाँ।
कोई दिक्कत नहीं है, रख लेना। दिया जल रहा था? हाँ दिया जल रहा है। ओके चलो। तो करेजा कहे पीट रहे हैं यार। एक बात बताओ, तुम सुबह में पनीर कहाँ से बनाए थे तुमने? हाँ। पनीर तो दिख ही नहीं रहा था उसमें। कैसे नहीं था? ऐसे तो नहीं था पनीर अपने तुम खा गए हमको दे दी थी। नहीं तुम बताओ वैसे तुमने क्या नहीं, पनीर पराठे बनाए हुए थे? सारे पराठे फूले फूले बने हुए थे, मुलायम मुलायम। उसमें पनीर था? हाँ। पनीर पिघल तो नहीं गया था कहीं? मतलब ऑब्जर्व हो गया मतलब, मैं खा रहा था तो पनीर की जगह उसमें नमक और मिर्ची दिख रहे थे हल्के से बस। पनीर तो दूर दूर तक। पनीर को मैंने कद्दूकस करके डाला था ना ताकि पराठे फूले। वो पहले ही पनीर कद्दूकस था, तुमने और कद्दूकस कर दिया, तभी तो नहीं दिख रहा, वो पानी हो गया होगा वो कद्दूकस करके। क्या मैं बोलूँ आपको? मत बोलो तुम, चलो बस। क्या पढ़ लिए हमको समझ में नहीं आता। अच्छा लग, हम ना पढ़ ली ज्यादा वक्त से। चल चल चल, बकवास मत करने सामने। और पानी डलेगा, कट गया ना, अकुड़ गया है। अभी हम जा रहे साबुत दाना बनाने के लिए। थोड़ा सुस्ता उठता यहाँ दूध तब तक उबल रहा है। यहाँ पे मैंने कल की तैयारी के लिए मैंने मूंग की दाल को रखा है फूलने के लिए। कहीं कल वड़े बना दूंगी दही वाले। उबल जाओ दूध प्रॉपर। यहाँ पे साबुदाना बन के हो गए तैयार। आपका वाला नादी लेके आइएगा। यम्मी यम्मी, सारा किसमें भूल गया। छिपा लेके आए हैं।